अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लेट्स हैव अ वेलकम। अटेंडेंस फर्स्ट और फिर आज की हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आशिर साहब हैं, अब्दुल्ला अहमद, प्रेजेंट सर। अबू बकर सर आशिम मैम प्रेजेंट सर। जी, मुझे पता है आशिफ भाई, मैंने देख लिया। यस अबू सर। बकर यस सर। प्रेजेंट जी ठीक है, आफाक जावेद सर। बिलाल फारूकी अहमद सईद एहसन इजाज प्रेजेंट सर। एहसन ताहिर अली हमजा अनम रियाज अरसल इकराम आयरा आफताब दानिश अहमद फैसलुर रहमान हबीबा नईम दावर जमान जी ठीक है, आरिश शहबाज जी प्रेजेंट सर। ठीक है, आरिश हसन रजा प्रेजेंट सर। जी ठीक है, हसन हसनैन अली महनूर अनवर जी मुआज रहमान हजीम हसन मुअज्जम राशिद यस सर। अदनान जफर प्रेजेंट सर। जी ठीक है, आरिफ नासिर सर आपने अब्दुल्ला जी नाम प्रेजेंट लिया, सर। दोबारा पूछे बेटा। अब्दुल वाजिद सर, वो थोड़ा आवाज कट रही थी। नहीं, मैंने आफाक नासिर अभी पूछा था बेटा, अब्दुल वाजिद ओके मैं प्रेजेंट देख लेता हूँ दोबारा, कोई मसला नहीं। सर। ओके बाद में प्रेजेंट। जी ठीक है, आफाक एहसन फारूक प्रेजेंट सर। अली खालिद ऑन जबार प्रेजेंट सर। जी ठीक है, और मोहम्मद बिलाल जी ठीक है, बिलाल हंजला सुहेल ठीक है, हंजला मोहम्मद हूद प्रेजेंट सर। मोहम्मद साउद मोहम्मद साउद मोहम्मद शफकत यूशा आगा नुमान अहमद
राहिब नजीर, सलमान मजहर, सैयद अली हैदर, मोहम्मद हुसैन, तलहा तारिक, यस सर, प्रेजेंट तलहा तारिक। जी ठीक है, तलहा, उबैद मुजाहिद, प्रेजेंट सर। उसामा तारिक, जी ठीक है, उसामा, उसामा यूसुफ, जी प्रेजेंट सर। ठीक है, उसामा, वसाम गोहर, वसाम गोहर, जईम असगर, अब्दुल वाजिद अहमद, यस सर। जी ठीक है, वाजिद, ओके, रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, एक मिनट, जी ठीक है, अनम आपकी अटेंडेंस हो गई, हबीबा आपकी अटेंडेंस भी हो गई। पीयूष आपकी अटेंडेंस भी हो गई। एहसन आपकी अटेंडेंस भी हो गई। एहसन ताहिर, सलमान आपकी अटेंडेंस भी हो गई। ठीक है, सब बच्चों की हो गई। सर आफाक जुवेद की लड़की थी। जी आफाक आपकी अटेंडेंस हो गई थी। जी लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। क्या आप लोगों को व्हाइट बोर्ड सबको नजर आ रहा सर है? जी ठीक है, ओके जी। लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिफ्रेशर, लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, और लास्ट टाइम हमने देखा था कि न्यूरॉन की दो कंप्यूटेशनल पार्ट होते हैं, एक लीनियर पार्ट, एक नॉन लीनियर पार्ट। नॉन लीनियर पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी वजह से हमारे जो न्यूरल नेटवर्क हैं वो यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर बन जाते हैं। उसके बाद फिर हमने दो टाइप के न्यूरॉन्स डिस्कस करने में हम कामयाब हुए थे। एक सिग्मोइड था, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए थे हमने। उसके बाद टेन एच था, उसके प्रोज एंड कॉन्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ, विच इज रीलू। अच्छा, ये रीलू जो है, इट स्टैंड्स फॉर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अगर मैं कहूं कि दिस इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूरॉन, तो ये गलत नहीं होगा। अब आप जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे उसमें आपका रीलू से वास्ता जरूर पड़ेगा। सो आई वुड से दिस इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूरॉन नाउडेज। और दिस न्यूरॉन इज आइडियल फॉर कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस। क्यों? ये अभी हमें 2-4 मिनट में पता चलेगा। आइडियल फॉर कंप्यूटर विजन
विजन एप्लीकेशंस। कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन से क्या मुराद है हमारी, कोई बच्चा आइडिया देगा क्या होता है कंप्यूटर विजन? सर जो जिस तरह ओपन सीवी से हम कुछ यूज करते हुए हम कुछ चीज कोई भी मॉडल बनाए जो पिक्चर्स हाँ, को पिक्चर से एग्जैक्टली, रिलेटेड। वेरी गुड। पिक्चर्स और वीडियोस जब भी हम इनपुट के तौर पर डील करते हैं तो इस किस्म की सारी एप्लीकेशंस को हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। ओके, सो रीलू स्टैंड्स फॉर रेक्टिफाइड लीनियर न्यूरॉन, और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो दैट इज एक्चुअली वेरी इजी। ए आपको पता है हमारी एक्टिवेशन जो है इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जीरो एंड जी, और ये जी आपको याद होगा मैंने अर्ज किया था इट इज वेटेड सम ऑफ इनपुट्स, तो ये वही सेम जी है जो हम जिसका वास्ता हमसे पड़ा था। सो इसको हमने नाम दिया था वेटेड सम ऑफ इनपुट्स, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट इज बेसिकली अ मैक्स फंक्शन, ठीक है, मैक्स फंक्शन है। अब ये मैक्स फंक्शन करता क्या है? अगर तो आपकी एक्टिवेशन फंक्शन की इनपुट जो है इट्स अ पॉजिटिव नंबर, यानी पॉजिटिव जी है आपके पास, तो ये एज इट इज जी रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर इसकी अगर जेड आपका जो है वो नेगेटिव नंबर है तो फिर ये जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो उस कुछ इस तरह से होगा। दिस इज जीरो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि आप ये जी है तो फिर ये भी जी है, तो ये जी जी इसी तरह प्लॉट होते जाएंगे एंड यू विल गेट योर सेल्फ अ लीनियर लाइन। लेकिन नेगेटिव साइड जो है ना, नेगेटिव साइड पे ये हमेशा जीरो रहेगा, जस्ट जीरो, क्योंकि जब भी आप इसको नेगेटिव जी देंगे तो मैक्स फंक्शन में जीरो और जी में से, फॉर एग्जाम्पल इसको आप यूं समझे, फर्ज करें मेरे पास जेड आया -10, तो जीरो और -10 में से बड़ा बड़ा नंबर क्या है? जीरो। वेरी गुड, तो इसका मतलब है अब आपकी एक्टिवेशन जो है वो जीरो होगी। सिमिलरली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा तो आपकी एक्टिवेशन जीरो होगी। इसलिए मैंने अर्ज किया कि इस साइड पे हमारा जो ये एक्टिवेशन फंक्शन है ये हमेशा जीरो रहेगा। सो अच्छा जी, अब ये जो फर्स्ट यहाँ पैरामीटर है जीरो जी बेटा डी जी दोबारा एंड पूछो एलेवन, सर जी ये जो बच्चे। फर्स्ट पैरामीटर है फंक्शन में जीरो, यही रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो अभी जी आपने एक्सप्लेन किया। जी जी बिल्कुल। देखे ना, जब ये नेगेटिव साइड पे ये हमारा जो है एक्सिस है, जब ये जेड नेगेटिव साइड पे जाएगा तो नेगेटिव साइड पे हमारी एक्टिवेशन हमेशा जीरो रहेंगी, मैंने ये एक्चुअली अर्ज किया, सही है ना? ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? जी 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 सर ठीक, चलें, गुड हो गया। अच्छा, अब इधर दो क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि क्या रीलू जो है वो एक नॉन लीनियरिटी है? देखिए मैंने इधर लिखा लीनियर लाइन, इधर ये जीरो है, और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने लीनियर फंक्शंस की दबा के बुराइयां की थी। तो अगर वो लीनियर फंक्शन उस वक्त बुरे थे तो इस केस में लीनियर फंक्शन क्यों अच्छे हो गए? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन के लिए आइडियल क्यों है? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क इज इट अ लीनियर फंक्शन? क्या रीलू एक लीनियर फंक्शन लग रहा है आपको? देखें ये साइड तो लीनियर है, जितना जेड होता है उतना ही ए होता है, ये याद रखिए, ये ए है, राइट, ये आपकी एक्टिवेशन है। सर नेगेटिव साइड पे ये वो नहीं है, लीनियर नहीं है सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि
एटलीस्ट हम ये यकीन से कह सकते हैं कि ये लीनियर फंक्शन नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशंस जो हैं, जब हम वेक्टर्स के लेते हैं तो हम वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से माइनस भी कर सकते हैं, और किसी वेक्टर को हम माइनस के स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो सारा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशंस तब इसके पॉसिबल होते अगर ये नेगेटिव साइड पे भी लीनियर होता, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव साइड पे लीनियर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन के करीब तो है, बट इट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन। ओके, इनफैक्ट इट इज अ रेक्टिफाइड लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन जिसमें हमने कुछ थोड़ी सी ट्वीकिंग की, और वो ट्वीकिंग क्या है, हमने नेगेटिव वैल्यूज जो हैं उनको जीरो कर दिया। अब सवाल अगला ये है कि व्हाई इज इट आइडियल फॉर कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस। देखें, ये तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। आपको पता है कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस में, जैसा कि आपने खुद बताया था, कि वी डील विद इमेजेस एंड वीडियोस। ठीक है ना, इमेजेस एंड वीडियोस। अच्छा, इमेजेस और वीडियोस आपको पता है पिक्सल्स से मिलके बनते हैं, और पिक्सल्स जो हैं वो चूंकि 8 बिट के पिक्सल्स होते हैं, तो उनके अंदर वैल्यू होती है 0 से लेके 255 तक। इसका मतलब है कि जब आप इस किस्म के डाटा से डील कर रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज इनकाउंटर नंबर्स बिटवीन 0 to 255। और अगर आप 0 से 255 तक नंबर इनकाउंटर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि देयर इज नो नेगेटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस एरिया से आपका कुछ लेना देना नहीं, यू विल ऑलवेज डील विद दिस एरिया। अच्छा, अब पहले हम बात करते हैं कि इसके पॉजिटिव एरिया में क्या ऐसी बातें हैं जो इसे सिग्मोइड से डिफरेंशिएट करती है। लेट्स टॉक अबाउट दिस एरिया। ठीक है, मैं इसे डिस्कशन के लिए कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव एरिया। ओके, इस पॉजिटिव एरिया में जो सबसे पहली चीज आप नोट कर सकते हैं, जो कि प्रोज में आएगी, वो ये है कि इसकी ग्रेडियंट कभी जीरो नहीं होती। सो आई कैन राइट इट डज नॉट सफर फ्रॉम वैनिशिंग ग्रेडियंट, डज नॉट सफर फ्रॉम वैनिशिंग ग्रेडियंट। आपको याद होगा कि वैनिशिंग ग्रेडियंट हमने सिग्मॉइड के केस में देखी थी, जब वो इस तरह का ग्राफ था और हमने देखा था कि ये एरिया और ये एरिया जो है, इसमें रेट ऑफ चेंज जीरो होता था। जितना आप इसके करीब हैं, उतनी आपकी ग्रेडियंट्स कम होती थी, और ग्रेडियंट्स कम होने का नुकसान ये होता था कि आप ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप रीलू को देखें, तो रीलो में कभी भी ग्रेडियंट्स वैनिश नहीं हो रही पॉजिटिव साइड पर। ठीक, और नेगेटिव साइड पे तो खैर कभी कुछ डाटा है ही नहीं। लेकिन मैंने अर्ज किया कि चूंकि कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस में आप कभी इस एरिया में पहुंचेंगे ही नहीं, तो इसलिए कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन के लिए ये आइडियल है। क्यों? क्योंकि यू विल ऑलवेज डील विद दिस पॉजिटिव रेड एरिया। ठीक, सो पहला प्रो ये है कि इट डज नॉट सफर फ्रॉम वैनिशिंग ग्रेडियंट। ये चीज अगर किसी बच्चे के जहन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो वो पूछ ले प्लीज। ये क्लियर है सब? सर, जी बेटा, सर आपने अभी कहा कि हम जो पिक्चर्स हैं वो पॉजिटिवली नंबर्स के साथ यूज़ होंगे 0 to 255, तो सर हम पॉजिटिव साइड यूज़ करें तो तब तो ये फंक्शन लीनियर बिहेव करेगा ना, नॉन लीनियर पे तो गया ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तब ये ओके लीन हाँ तब ये लीनियर लीनियर रिएक्ट करेगा। लेकिन इस केस में हमारे पास जो कुछ बेल्स एंड विसल्स हैं, मसलन एक जो चीज मेरे जहन में आती है वो ये है कि यूजली आपने देखा होगा कि जब हम इन चीजों से डील कर रहे थे, तो हम एक और भी काम करते थे, वो था डिवाइडेड बाय 255। ठीक है, ये चीज हमारे जहन में है। ठीक यस है, ये हम क्यों करते थे? इसके इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस हैं जीपीयूज में, वो बहुत तेज होती हैं। दूसरा, इसका हमें फायदा ये है, और एक और चीज ये है कि ये सिर्फ कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस में सिर्फ हिडन पार्ट में होता है। इसका मतलब ये है कि इनपुट पार्ट में और आउटपुट पार्ट में डेफिनेटली कोई और नॉन लीनियरिटी होगी,
और इसका तीसरा फायदा यह है कि दिस इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट टू कैलकुलेट। अब ये क्यों है एफिशिएंट टू कैलकुलेट? आपके ख्याल में ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट टू कैलकुलेट क्यों है? ये चीज आपने इस तरह से ज़हन में रखनी है कि मैंने बताया था कि सिग्मोइड इज 1/1 e^(-z) और ये -z की कैलकुलेशन जो थी ये हमें लग रही थी इट इज वेरी कॉस्टली। लेकिन अगर आप रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट में देखें तो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट में हमारी कैलकुलेशन क्या है? सर मैक्स सर आपके ख्याल में ये कितनी कॉस्टली कांस्टेंट कैलकुलेशन टाइम है? सर कांस्टेंट टाइम वेरी गुड। देखें ये इसलिए एक्सट्रीमली एफिशिएंट है कि हमारे पास आपको पता है कि सीपीयू के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं या जीपीयू के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं उनमें सीएमपी या कंपैरिजन की बिल्ट इन मशीन इंस्ट्रक्शन होती है। और आपने देखा था कि अगर हम किसी काम पे फॉर लूप की जगह मशीन इंस्ट्रक्शन यूज करते थे तो हमें 500 टाइम्स स्पीड अप मिलता था, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि दिस गाय इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट टू कैलकुलेट। इसका वो ये वैनिशिंग ग्रेडियंट तो हमें क्लियर हो ही गया। अच्छा, इसके जो जो जिन लोगों ने इसको प्रपोज किया ना वो ये कहते हैं कि अगर आप सेम न्यूरल नेटवर्क बनाएं, सेम न्यूरल नेटवर्क का मतलब है कि उसमें सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, लेकिन अगर आप सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स सिग्मोइड के यूज करें और सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रिलो के यूज करें तो ये जो रिलो वाला नेटवर्क है ये गारंटी है कि 6 गुना तेजी से ट्रेन होगा। इट विल ट्रेन 6 टाइम्स फास्टर, मतलब ये मिनिमम है। इससे ज्यादा स्पीड अप तो मिल सकता है लेकिन इससे कम स्पीड अप कभी नहीं होगा। तो दैट इज बिकॉज के दिस फंक्शन इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट टू कैलकुलेट। इसलिए ये जो फंक्शन है ये याद रखे दिस इज ऑलवेज यूज। ऑलवेज का मतलब ये है कि आप इसको ज्यादातर हिडन लेयर्स के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज आइडियल नॉन लीनियरिटी। इसकी वजह यह है कि हिडन में जब आप बैक प्रोपेगेशन करते हैं तो आपकी ग्रेडियंट्स की डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये अनम के क्वेश्चन का दूसरा जवाब है। पहला तो मैंने शायद पहला क्लियर हुआ था या नहीं है ना आपको? मेरा ख्याल इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जब आप बैक प्रोपेगेशन कर रही हैं तो आपको पता है ना कि इन वेट की कोई डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है? अब आपको पता है कि फॉरवर्ड पास जो है उसमें ट्रेनिंग तो नहीं होती है। फॉरवर्ड पास में तो सिर्फ आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। क्या ख्याल है, ये बात सही है? ट्रेनिंग हम किस किस पास में करते हैं? बैकवर्ड पास में। बैग हाँ, बैकवर्ड पास में क्या आप गारंटी दे सकती है कि ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होगी? क्यों जी? ये क्वेश्चन मेरा अनम से है। नो सर। क्यों अनम? नो सर। एग्जैक्टली। तो बेटा जब हम ट्रेन कर रहे हैं इसको तो इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि हमारा इस एरिया से फर्क वास्ता नहीं पड़े। सर क्या ख्याल देखिए, है? कल आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि अगर हम लीनियर, क्योंकि न्यूरॉन के 2 पार्ट से लीनियर नॉन लीनियर, बिल्कुल आपने कहा था नॉन लीनियर जब इंक्लूड हो जाता है तो वो उसको ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है, कि जब हम एक्टिवेशन फंक्शन को भी रीड कर रहे थे। तो सर एग्जैक्टली। अब आपके कल ही क्वेश्चन को जब आपने नलीफाई किया था कि अगर वो सिर्फ लीनियर पार्ट को ही डील करेगा तो जो न्यूरॉन है वो एक ही सिंगल लाइन में आप कैलकुलेट कर लेंगे लीनियरली, और इस वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव आंसर नहीं देगा। वो ट्रेनिंग नहीं इधर करेगा। हाँ, नहीं, अब मेरी भी बात तो गौर यही से हो रहा है। सुनो। मैंने ये कहा था कि जो लीनियर यूनिट्स हैं दे हैव लिमिटेड कैपेबिलिटी टू ट्रेन। मेरा ख्याल है कि मैंने यस ये सर, कहा था, यस सर, यस ये सर, कहा था ना? चले ओके जी जी ओके। अब मुझे ये बताओ क्या ट्रेनिंग जो है वो फॉरवर्ड पास है या बैकवर्ड पास? बैकवर्ड पास है।
लेकिन लेकिन अगर आप फर्ज करो यहाँ एक लीनियर फंक्शन है तो लीनियर के अंदर तो इट डजंट मैटर फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, वो तो हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन ही कैलकुलेट करे। लेकिन मैंने ये अर्ज किया कि जब आप रेक्टिफाइड लीनियर न्यूरॉन यूज करेंगे तो अगर आपकी ग्रेडियंट्स के ये मल्टीप्लाई होने की वजह से, यानी कि जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ जी इंटू डी बाई डी जी ऑफ ए इंटू डी बाई डी ए ऑफ लॉस, तो इनमें से किसी भी ग्रेडियंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। हमें तो नहीं पता कि किसी एक वेट को बढ़ाने से लॉस कम होता है या ज्यादा होता है, वी डोंट नो दैट राइट। इसका मतलब है कि इसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि 50% टाइम्स ग्रेडियंट नेगेटिव होंगी और 50% टाइम ग्रेडियंट पॉजिटिव होगी। तो जो नेगेटिव पोर्शन है क्या वो स्टिल लीनियर रहेगा? हेलो? नो सर नो। इसका मतलब है कि एटलीस्ट अब मुझे ये पता है कि बैक प्रोपेगेशन जब मैं करता हूं तो रिलू डज नॉट एक्ट लाइक अ लीनियर फंक्शन। क्या मैं कह सकता हूं? जी 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 समझ आ गया। हाँ फॉरवर्ड पास, बिल्कुल फॉरवर्ड पास में देखे, लेकिन फॉरवर्ड पास तो हमारा सिर्फ कैलकुलेट हमेशा से आउटपुट और लॉस ही करता था ना, वो कभी ट्रेनिंग तो वो कभी करता ही नहीं था। तो लेकिन हमारा, हाँ लेकिन हमारा जो बैकवर्ड पास है उसमें ग्रेडियंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव डायरेक्शन के केस में रिलू जो है वो एज अ लीनियर रिएक्ट करेगा, नेगेटिव के केस में वो उनको क्लिप करके बिल्कुल जीरो कर देगा। ठीक है। और सर ये जो आपने नीचे कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन बताई थी, सिर्फ यहीं पर वो लीनियरली बिहेव कर रहा है? एग्जैक्टली। अगर कोई आपका और इनपुट है जिसमें नेगेटिव्स भी हैं तो फिर डेफिनेटली ये एक रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट यानी चेंज्ड है। ओके गुड सर। ओके जी, अब हम इसके थोड़े से कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं, नुकसानात। इसके दो कॉन्स हैं। पहला कॉन जो है उसे हम कहते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। याद रखें पहले हमने डील किया था वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। रिलू वैनिशिंग ग्रेडियंट्स का बहुत अच्छा इलाज करता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इस केस में, अच्छा इसकी सॉरी मैंने ग्रेडियंट्स तो लिखी नहीं तो आपको कैसे आइडिया होगा। ओके पहले मैं इसका डेरिवेटिव लिख देता हूँ, डी बाय डी जी ऑफ ए, और ये मैं जस्टिफाई भी करूंगा कि ये क्यों ऐसे होता है। हमें एक्टिवेशन फंक्शन तो इसका याद है, मैक्स ऑफ जीरो एंड जी। अच्छा अब आप गौर करें कि अगर जीरो होगा तो इसका मतलब है कि जीरो जिस जगह पे जेड है उस जगह पे डेरिवेटिव तो जीरो ही रहेगा। कोई जाहिर है कोई जब वैल्यू ही नहीं है तो फिर रेट ऑफ चेंज भी कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब है व्हेनेवर z इज लेस देन इक्वल टू 0 तो डेरिवेटिव ऑफ रिलू तो 0 ही रहेगा। ये वो पार्ट है जिसे मैंने कहा था कि यहां वो नॉन लीनियर हो जाएगा। लेकिन अगर z पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या बन जाएगा, वो dz ऑफ dz बन जाएगा व्हिच इज गोइंग टू बी 1। तो इसको मैं elsewhere लिख देता हूं। ठीक, इसका मतलब ये है। अच्छा ये याद रखें कि हम सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अनम दोबारा कंफ्यूज ना हो जाए कि ये तो फिर जीरो और वन रहा तो पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव कहां से हुआ। मैं सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या आपको क्लियर है ये बात बेटा? यस सर। जी गुड सर। ओके सो इसका मतलब ये है कि चूंकि इसकी ग्रेडियंट कभी वैनिश नहीं होती तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के जो हम ये कैलकुलेट करते हैं डी डब्ल्यू बाय डी लॉस, अगर ये वन या वन से ज्यादा हो जाए तो हमारी ग्रेडियंट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल
फर्ज करें ये था डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ जी डी बाई डी जी ऑफ ए डी बाई डी ए ऑफ लॉ, फर्ज करें ये ग्रेडियंट आई 1.2, ये आई 1 और ये भी आई 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 1.2 हो जाएगा। अगली बार 1.2 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 का स्केयर हो जाएगा, उससे अगली बार ये 1.2 के स्केयर का स्केयर हो जाएगा, उसके बाद ये 1.2 का रेज टू पावर 8 हो जाएगा। यू सी दिस इज एक्चुअली एक्सप्लोडिंग, ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है? आपको याद होगा कि ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजेशन हम इस कन्वेक्स फंक्शन पे करते हैं, ये तो आपको ज़हन में होगा ना। फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव लॉग लॉग, अब फर्ज करें ग्रेडियंट पहले इधर थी, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट चेंज आई, तो इसका मतलब है कि आपने वेट जब अपडेट करना था आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट की वो इधर पहुंच गई, आपने ये वेट लिया। अगली बार आपने फिर ग्रेडियंट अपडेट की, अब ग्रेडियंट बजाय ग्लोबल मिनिमा पे जाने के ग्रेडियंट इधर पहुंच गई, आपने दोबारा अपडेट देखा वो इधर पहुंच गई, आपने दोबारा अपडेट किया वो फिर इधर पहुंच गई। यू सी ये ऐसे 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 मूव होती रहेगी, ये इस जगह पे नहीं पहुंचेगी। सो दैट इज व्हाई वी डोंट लाइक एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। सो दिस इज अ बैड थिंग अबाउट रेलू कि इट कैन कॉज, मतलब Sometimes, अगर यहाँ कोई भी ग्रेडियंट जो है अगर वो 1 से ऊपर हो जाए तो इट कैन काज एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स, और उसमें वेट अपडेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि आपका, अब आप देख रही हैं कि यहाँ ट्रेनिंग जो है वो स्टेबल नहीं है, कभी ये अच्छा रिजल्ट दे देगा कभी ये बुरा रिजल्ट दे देगा, लेकिन ये वेट्स को ग्लोबल मिनिमा तक लाने में बड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि हमारा नेटवर्क जो है वो अनस्टेबल है। अभी जो मैंने 5 मिनट पिछले में बातें की हैं वो आप लोगों को ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगी? Does that make sense? Yes sir, समझ आ गया सर। Okay, good. So this is exploding gradient and ReLU is prone to exploding gradients. अच्छा, जो दूसरा इसका नुकसान है that is called dead ReLU problem और डाइंग ReLU प्रॉब्लम, दोनों लफ्ज यूज होते हैं। अच्छा, ये समझना बड़ा आसान है, ये समझना इसलिए आसान है कि आपको पता है ReLU इज मैक्स ऑफ जीरो एंड जी, और अगर ये हमारा न्यूरॉन है और हमने कहा था अगर ये आउटपुट में जीरो देता है तो हम समझते हैं कि ये फायर ही नहीं हो रहा, इट इज नॉट एक्टिवेटिंग। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि अगर आपकी बहुत सारी इनपुट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, यानी आपके जी जो हैं बहुत सारे वो अगर नेगेटिव हैं तो इसका मतलब है कि आपके बहुत सारे न्यूरॉन जो न्यूरल नेटवर्क्स में हैं दे विल ऑलवेज आउटपुट जीरो जीरो जीरो। ठीक है, और ये जीरो आउटपुट का नुकसान क्या होगा कि जब हम ये ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेट करेंगे ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इस कैलकुलेशन में टेक पार्ट ही नहीं कर रहा, इट्स नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग, इट्स सिटिंग डेड, ये कुछ भी नहीं कर रहा नेटवर्क में। यानी अगर आपके नेटवर्क के 1000 न्यूरॉन थे और उनमें से 400 डेड हो गए, आपको लग रहा है कि आपका न्यूरल नेटवर्क जो है वो सफिशेंटली कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनफैक्ट उसमें काम तो सिर्फ 600 यूनिट्स जो है वो कर रहे हैं, बाकी ये 400 तो डेड पड़े हुए। सो दिस इज कॉल्ड डेड ReLU प्रॉब्लम, कि ये जो ReLU है अगर आपकी इनपुट्स जो हैं वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा हैं तो आपके न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन जो हैं वो डेड हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड डेड ReLU प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने आपको इनके सोल्यूशन नहीं बताया और वो जानबूझ के नहीं बताया, फिर किसी डिस्कशन में बताऊंगा, अभी जरा टू मच हो जाएगा अगर बताया। इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो पूछ लें। ओके, गुड। सो हमने प्रोज डिस्कस किए, मैं दोबारा एक दफा समरी दे देता हूँ। एक्सट्रीमली एफिशिएंट टू इंप्लीमेंट है, रिड्यूस्ड लाइक्लीहुड ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट है, मतलब और ये कन्वर्जेंस ज्यादा बेहतर शो करता है, और ये हमारा फेवरेट है हिडन लेयर्स के लिए या हिडन यूनिट्स के लिए।
कॉन्स इसके दो हैं और वो बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन में अकर होते हैं. पहला कॉन जो है वो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट है, वो तब अकर होता है अगर ग्रेडियंट, बल्कि इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ. देखे जो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट है ना, इसका सोल्यूशन बड़ा आसान है. इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट क्लिपिंग. ग्रेडियंट क्लिपिंग का मतलब ये है कि मैं एक रेंज दे दूं कि मेरी ग्रेडियंट कभी भी लेट्स सपोज 0.7 से ज्यादा ना हो. इसका मतलब है कि जब मेरे पास ग्रेडियंट 1.2 आएगी तो ग्रेडियंट क्लिपिंग जबरदस्ती इसको 0.7 कर देगी, और आप 0.7 का स्केयर लेते जाएंगे तो वो ग्रेडियंट कम ही होगी, वो बढ़ेगी नहीं. इसका मतलब है कि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट जो है वो अकर नहीं होगा. तो ये ग्रेडियंट क्लिपिंग जो है हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. ये जो डेड रीलू प्रॉब्लम है, इसके लिए हम रीलू के डिफरेंट वेरिएंट्स यूज करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट. अगर आपके जेहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क. ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो जबरदस्त. अच्छा जी, अब ये जो डेड रीलू प्रॉब्लम है, इसके लिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने रीलू के कुछ वेरियंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए. कौन कौन से वेरिएंट्स हैं? सबसे जो पहला वेरिएंट है उसे हम कहते हैं लीकी रीलू. ये जो लीकी रीलू है इट इज डिफाइंड एज, अच्छा ये याद रखें कि जितने भी मैं वेरिएंट्स डिस्कस करूंगा रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट के, उनमें हम इस एरिया में कोई चेंज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि दिस एरिया इज वर्किंग फाइन. हमें जो ये डेड रीलू का प्रॉब्लम हो रहा था वो इस एरिया की वजह से हो रहा था. ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जगह पे ये हमारी लाइन जो है ना ये बिल्कुल जीरो रहती है, हमारी एक्टिवेशन जीरो है. तो जितने भी हम रीलू के वेरिएंट्स स्टडी कर रहे हैं दे एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व दिस एरिया, ये इस एरिया के मसले मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं. सो लीकी रीलू की अगर हमें एक्टिवेशन कहूँ तो दैट इज स्टिल अ मैक्स फंक्शन, बट मैक्स ऑफ अल्फा इनटू जी एंड जी. अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा ये बाय द वे ये जो अल्फा है इट इज फिक्स्ड एट 0.01. अब फर्ज करें आपके पास जेड जो है वो नेगेटिव आया और नेगेटिव 10 आ गया, तो एक्टिवेशन अब आपकी क्या होगी? एक्टिवेशन होगी मैक्स ऑफ -10 इनटू 0.01 एंड -10, और ये बन जाएगा मैक्स ऑफ -1 एंड -10. अब मुझे ये बताएं कि -10 बड़ा है या -1 बड़ा है? -1 सर. जबरदस्त. तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया जो है जिसको हम पहले जीरो कर रहे थे, अब एटलीस्ट ये जीरो नहीं होगा, ये एक बहुत स्मॉल सी वैल्यू आ जाएगी, बट इट विल नॉट बी जीरो. तो ये समथिंग लाइक इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह का बनता है. So this is leaky relu. तो सर ये तो फिर वही -1 प्रॉब्लम है, मतलब सारे -1 -1 होते जाएंगे सर. नो, ये कैसे पता चला कि ये हमेशा -10 आएगा? ओ सही है सर. भाई ये -12 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है. It could have been anything between -infinity to +infinity. ये 0.01 क्या कर रहा है? ये सिर्फ इसको अटेनुएट कर रहा है, यानी इसको स्मॉल कर रहा है, स्मॉलिश कर रहा है, बस दैट्स इट. -1 तो ये कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, ये डज दैट मेक सेंस? सही है ना? यस सर. ये यकीन है ना कि अब हमेशा -1 नहीं आएगा? यस सर. यस सर. चलो गुड. ओके, सो अच्छा जी, इसका डेरिवेटिव अगर हम लिखना चाहें तो दैट इज अगेन डी बाय डी z of a. अच्छा इसका डेरिवेटिव जो है वो आप इससे बड़े आराम से लिख सकते हैं. अगर तो ये z है तो आपको पता है कि डेरिवेटिव इसका 1 रहना, ठीक है 1. लेकिन अगर ये 0 वाली साइड पे है, यानी तो फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फिर हम करेंगे t by dz of alpha into z, और इसका आंसर आ जाएगा ये alpha. सही है? तो इसका मतलब है कि इफ z इज लेस देन 0 तो इसका डेरिवेटिव होगा अल्फा, इफ z इज ग्रेटर, इधर हम एल्सवेयर लिख देते हैं, एल्सवेयर
इट्स गोइंग टू बी 1 सर z ग्रेटर देन तो सर प्रॉब्लम ही नहीं है हां वो तो प्रॉब्लम नहीं है इसलिए वो आपने देखा वो एज इट इज रहेगा बस मसला यहां पहले 0 आ रहा था अब यहां हमारे पास एक नॉन जीरो वैल्यू आ रही होगी जिसकी वजह से हमारा जो डेड रिलू प्रॉब्लम था कि यानी रिलू कोई एक्टिवेशन ही नहीं शो करेगा ये डेड हो जाएगा वो डेड रिलू प्रॉब्लम जो है वो प्रिटी मच काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा कि एटलीस्ट कोई ना कोई ग्रेडियंट जरूर मिलेगी जीरो नहीं मिलेंगे और रिलू जो है वो डेड नहीं होने देंगे ठीक है सो दैट इज हाउ लीकी रिलू इज यूज्ड अच्छा इसका जो दूसरा वेरियंट है That is called parametric relu. अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि लीकी रिलू में क्या बुराई है जो आपको पैरामीट्रिक रिलू और बाद में हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल रिलू की जरूरत है yes, sir. क्या क्या बुराई है आपके ख्याल ओके जो जी जी पूछ बताएं प्लीज जो जो स्मॉल होगा पहले जीरो के जगह जो काफी स्मॉल वैल्यू होती है उसकी ग्रेडियंट बहुत छोटा आएगा तो वो जो जो हम लेकिन जो, वो जीरो से तो बेहतर नहीं है इजंट इट स्टिल बेटर देन जीरो सर फिर वेट बहुत थोड़े थोड़े करके सर वो कन्वर्ज होंगे शायद ओके मैं हां ये एक इशू हो सकता है और ये हमने देखा था कि जब भी आपकी इनपुट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि रिलू न्यूरॉन जो है ना वो आपको ख्वार करवाएगा ये बात सही है आपकी इसमें एक और भी इसकी रीजन है और वो रीजन जो है ना इट स्टेम्स फ्रॉम अनम्स क्वेश्चन देखें अगर हमने हमें बताया कि ये ऑलरेडी लाइन है राइट अगर आप नोट करें तो हम इधर भी सॉर्ट ऑफ एक लीनियर स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इट मींस के बजाय हम रिलू को नॉन लीनियरिटी की तरफ लेके जाएं ये जो लीकी रिलू है ये रिलू को मोर टुवर्ड लीनियरिटी लेके जा रहा है इट्स स्टिल नॉट लीनियर क्यों क्योंकि सेम इफेक्ट तो नहीं आएगा एटेनुएटेड इफेक्ट आएगा यानी लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं होंगे थोड़ी चेंज तो होगी लेकिन जब आप इधर भी आपके पास लाइन है और इधर भी आपके पास लाइन है तो इसका मतलब है कि इसका बिहेव अब कंपैरेटिवली ज्यादा लीनियर हो गया और इसका मतलब ये है कि अब ये फंक्शन जो है ये उतना नॉन लीनियर नहीं रहा जितना ये पहले था ठीक है सो दैट तो जो पैरामीट्रिक और एक्सपोनेंशियल रिलू है वो कहते हैं कि यार आप ये अल्फा फिक्स ना करें ताकि यहाँ लाइन ना बने ठीक है अब हम पहले इसकी बात कर लेते हैं ये क्या कहता है ये कहता है जी कि बजाय आप अल्फा इज इक्वल टू 0.01 करें आप ये अल्फा लर्न क्यों नहीं कर लेते कि आप वेट्स तो लर्न कर ही रहे हैं आप बायस भी लर्न कर रहे हैं व्हाई नॉट लर्न इट एज वेल तो जो पैरामीट्रिक रिलू है वो क्या करता है कि हार्ड वैल्यू ऑफ अल्फा नहीं सेट करता नो हार्ड वैल्यू ऑफ अल्फा ठीक है यानी अब ये हार्ड वैल्यू नहीं इसमें हम क्या करते हैं हम जो अल्फा है इसको भी एक ट्रेनेबल पैरामीटर बना देते हैं जिस तरह हम वेट्स को अपडेट करते हैं इसी तरह हम फिर इस अल्फा को भी अपडेट करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू व्हिच इज अल्फा इज अपडेटेड एज अल्फा माइनस आगे जो इसमें लर्निंग रेट की ऐसा जरूरत नहीं होती लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं डी बाय डी अल्फा ऑफ लॉस तो इसका मतलब है कि दिस अल्फा इज नाउ अगेन लर्नड एज अ ट्रेनेबल पैरामीटर अब इस अल्फा चूंकि ये एक ट्रेनेबल पैरामीटर है तो अब आप देखेंगे एक्टिवेशन जो है वो सिंपली क्या होगी मैक्स ऑफ अल्फा इंटू जी एंड जी और डिफरेंस किधर है Now this is not 0.01. This is now a trainable parameter. Trainable parameter. तो ये एक arrangement है ये इसको still non-linearity रखने का जो दूसरा arrangement है उसे हम कहते हैं exponential relu. ELU ये कहता है कि आप ये जो जीरो साइड वाला कर्व है ना ये जीरो साइड वाली जो लाइन है ना
ये याद रखें हर वेरिएंट में इस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज सेम एज रीलुक्स। जितने भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं वो इस एरिया का मसाल करने के लिए। एक्सपोनेंशियल रीलुक कहते हैं कि यार आप इसे लाइन ना बनाए, आप इसे कर्व बनाए, यू मेक इट समथिंग लाइक दिस टाइप, समथिंग लाइक कर्वी। जी बच्चे सर, ये आपने जो हमें सर स्टार्टिंग में ये पढ़ा रेलू, तो इसमें हमने फर्स्ट पैरामीटर जो जीरो यूज किया था सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जैसे कि उसकी वैल्यू जीरो आ रही है जब हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, तो हमारा काम यही नहीं है कि हम एट द एंड जो मिडल उसकी वैल्यू है जीरो तक वहीं पर लाना होता है हमने जब जब हम उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, हमने तो इवेंचुअली आ ही जाती है। हमने एक्टिवेशन बेटा जीरो नहीं करनी होती, ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड पास एंड नेगेटिव पास। मैं आपको बता रहा हूं कि ए इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जीरो एंड जी। इस केस में आपका फॉरवर्ड पास भी जीरो होता जा रहा है सारा, तो आप प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? क्या समझी? यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बात जी देखिए, ये कंप्यूटेशन हमने इसीलिए तो दो फेजेस में ऑर्गेनाइज की थी ताकि हम इनको अलग अलग स्टडी कर सके। ये याद रखें फॉरवर्ड पास में हमेशा आपने आउटपुट और लॉस कैलकुलेट करना, ट्रेनिंग नहीं करनी। बैकवर्ड पास में हमेशा आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट करनी है और फिर उसकी बेस पर ट्रेनिंग करनी है, ठीक है? मतलब ना करें तो अच्छा। देखें ये स्टिल बिल्कुल लीनियर नहीं है। देखें लीनियर इफेक्ट तो अगेन तब आता ना अगर मैं इसको अटेनुएट ना करता और ये इस तरह होता, लेकिन ये इस तरह नहीं है, इट्स स्टिल चेंजिंग सम थिंग्स। लेकिन अब इसका बिहेवियर कंपैरेटिवली नियर टू लीनियर फंक्शन, एंड दैट्स व्हाट वी डोंट लाइक, ठीक है? तो ये जो हाँ एक्सपोनेंशियल रीलू है वो कहते हैं कि आप नेगेटिव एरिया जो है ना जनाब, इसको आप एक कर्व बनाएं, ये लाइन जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं। सो तो अगर मैं इसका एक्टिवेशन फंक्शन लिखना चाहूँ तो दैट शुड बी E of Z कह देता हूं, तो ये है Z if Z is greater than zero, यहां तक तो मामला बेहतरीन है। Alpha into E raised to power Z minus one when Z is less than equal to zero. तो ये वो चेंज है जो एक्सपोनेंशियल रीलू कराता है, हेंस द नेम। चूंकि इसमें हम ये एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं e raise to power z, तो ये एक्सपोनेंशियल रीलू है। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक्सपोनेंशियल का कर्व जो है वो ऐसा होता है, वो ऐसा नहीं होता, ये तो लॉगरिथम का कर्व है, ये होता है एक्सपोनेंशियल का कर्व, लेकिन यहाँ आप हमें जो है लॉगरिथमिक कर्व दिखा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह? सर जी जो नेगेटिव साइड पर उसी तरह का बना हुआ सर। वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव देखें नेगेटिव ऑपरेशन जो है ना और पॉजिटिव ऑपरेशन वो एक दूसरे के इन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम दो छोटी चीजों को मल्टीप्लाई करें तो वो अपना डिवीजन का इफेक्ट देती हैं, वो मैंने आपको बताई थी एक एग्जांपल, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा बजाय बड़ा होने। तो सिमिलरली चूंकि आपको यकीन है कि इस जगह पे जेड नेगेटिव ही है, क्योंकि ये तो एरिया ही जेड नेगेटिव के लिए है ना, पॉजिटिव के लिए तो हमारा काम बेहतरीन चल रहा है। हमें पता है कि जब भी जेड नेगेटिव आएगा तब ये अरेंजमेंट काम करेगा, और ये अरेंजमेंट में ई रेज टू पावर माइनस जी जब भी होगा इट विल बिहेव लाइक अ लॉगरिथमिक कर्व। बिल्कुल सही आंसर है, जबरदस्त यार, आप लोग तो बड़े उस्ताद है माशाल्लाह। ओके सो प्रीवियस बोर्ड दिखा देंगे। हाँ हाँ श्योर बच्चे जी। Yes sir, thank you. ठीक है। जी जी sir. Okay, good. अली हमजा में सॉन्ग सुनवा रहा है। अली हमजा यार अभी नहीं सॉन्ग सुनने यार, अभी रोजा रखा है। Okay जी। अच्छा जी, ये इसका सिर्फ मैं डेरिवेटिव लिख देता हूँ एंड देन आई लेट यू गाइस गो। इसका डेरिवेटिव जो है शुड बी प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डी बाय डी जी ऑफ ए इज पॉजिटिव एरिया में आपको बताया डी जी और डी जी होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी वन। नेगेटिव में बड़ा आसान है क्योंकि अब हमने इवेलुएट करना है
फजी माइनस वन को इसका डेरिवेटिव आपको याद होगा कि इस वन का पार्शियल डेरिवेटिव तो जीरो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं, इसका मतलब ये एरिया वैसे ही गया। अब आपको ये भी पता है डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पार एक्स हमेशा ई रेज टू पार एक्स होता है, ये हमने बचपन में पढ़ा था खासतौर पर एफ एस सी में, तो रटे लगाए थे इसको। इसका मतलब है कि ये एज इट इज आ जाएगा, और चूंकि ये इसके साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी एज इट इज आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि अगर मैं इस चीज का डेरिवेटिव लूंगा दिस इज गोइंग टू बी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर सी, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी अ कर्व लाइक दैट, सही है, क्योंकि ये जी नेगेटिव है। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल रीलू, और ये सारे वेरिएंट्स हैं आपके पास, अब आपकी मर्जी होती है कि आप क्या यूज करें। इफ यू आर फीलिंग लेजी या आपका प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन गेट अवे विद यूजिंग रीलू, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स भी नहीं आएंगी और डेड रीलू बहुत कम आएंगे, तो लेकिन वो एफिशिएंट इतना ज्यादा है। अब ये याद रखें कि एक्सपोनेंशियल रीलू उतना एफिशिएंट नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने इसमें एक एक्सपोनेंशियल कंप्यूटेशन इंट्रोड्यूस करवा दी है। इसका मतलब है कि आप जो इसकी ट्रेनिंग में कैपेबिलिटी में अचीव कर रहे हैं वो आप इसकी इंप्लीमेंटेशन और एफिशिएंसी में लूज कर रहे हैं। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड ऑफ ये है कि अब ये उतना तेजी से ट्रेन नहीं होगा लेकिन लर्निंग बेहतर होगी, और अगर आप सिर्फ रीलू यूज करें तो वो एक्सेप्शनली एफिशिएंट टू इंप्लीमेंट है, बहुत तेजी से ट्रेन होता है लेकिन उसमें रिस्क होता है कि मसले आ सकते हैं, वो दो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। खैर एक्सप्लोडिंग का तो बड़ा आसान सा हाल है, आप क्लिपिंग लगा दें और डेड रीलू प्रॉब्लम जो है वो अक्कर हो सकता है, लेकिन अगर आपको यकीन है कि आपकी इनपुट्स में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है तो यू कैन गो अहेड एंड यूज द रीलू। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, ओके जी, हैव अ ग्रेट डे, और मेरी अगली क्लास अगले 2-4 मिनट बाद है तो इसलिए अब आप फौरन में आपको छुट्टी दे देता हूँ। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर। जी राहिब, आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा। थैंक यू सर।